हेलो एंड वेलकम बैक टू चाय बस्टर। मुंबई का सफर बहुत ही खुशनुमा और बहुत यादगार रहा। शूट के लिए पुनः लौटेंगे हम मुंबई, लेकिन फिलहाल हम उतर चुके थे धरती धोरारी रानी की जयपुर। होली का महीना और फागोत्सव, जयपुर के घर घर में होली के वक्त फागोत्सव का आयोजन किया जाता है। वैसे राजस्थान के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में ही फागोत्सव मनाया जाता है, लेकिन जयपुर में कुछ ज्यादा ही धूमधाम से मनाया जाता है। और हमारे जमाई बाबू और प्यारी बहन के घर पर भी फागोत्सव का आयोजन चल रहा है। शूट की व्यस्तता और कुछ निजी कार्यों के कारण मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, इसलिए इन दिनों व्लॉग्स कॉन्स्टेंटली नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जैसे हो, जितनी जल्दी हो, जब भी संभव हो, मैं व्लॉग्स एडिट करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो आपके प्यार को इसी तरह बरकरार रखिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। फागोत्सव संपन्न होने के बाद अब है होलिका दहन, यानी अब अगले दिन होली खेली जाएगी रंगों के साथ। हमारे मिथ्या अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या को होलिका के साथ साथ दहन कर हमें अपनी जिंदगी में स्नेह, सौहार्द और प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब आइए भेदभाव और आपसी मनमुटाव मिटाकर एक दूसरे को सौहार्द भरे गुलाल लगाते हैं। स्वादिष्ट चटपटे चाट पकोड़ों के साथ ठंडाई का रंग होली की इस मस्ती को और ज्यादा बढ़ा देता है। ये हूं मैं ठंडाई का लुत्फ उठाते हुए। रंग इतने लगे हैं कि मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा हूं। हर कोई ही होली की मस्ती में चूर है। यहाँ इस व्लॉग में लाइव कमेंट्री नहीं, बल्कि सिर्फ डांस चलेगा। मजा ले।
चंडीगढ़ में नया सेटअप। हुकुम म्यूजिक के नए स्टूडियो की ओपनिंग के बाद हुकुम हमसे और अपने परिवार वालों से मिलने पहुंचे जयपुर होली के शुभ अवसर पर, और उनके साथ थी उनकी फेवरेट कंपनी और हमारे पसंदीदा जीपी कुमार और मनीष। पर्व है जात पात द्वेष ईर्ष्या भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाने का और स्वैग दिखाने का, और वही हम दिखा रहे हैं। और यह है हुकुम, जीपी कुमार और मनीष, जो कि यहाँ होली खेलकर अपने और मित्रों के पास जा रहे हैं। होली मुबारक। मुझे पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक एक साथ बड़े पसंद है, इसलिए जब भी जयपुर जाता हूँ तो हुकुम का ये खर्चा जरूर करवाता हूँ किसी भी सिनेमा के बहाने। जल गया त्रिपाठी जी, भौकाल बनाए रखे के लिए भय बनाए के रखना बहुत जरूरी है। कैच। हरफन मौला एक्टर अक्षय कुमार, यानी कि बॉलीवुड का खिलाड़ी, और ये है सालासर धाम। लेकिन इस बार मैं अकेला गया था क्योंकि कार्य की अधिकता के कारण हुकुम को चंडीगढ़ निकलना पड़ा था। हर देशवासी का गौरव मेरा प्यारा तिरंगा, और हर श्याम भक्त की प्यारी नगरी यानी कि खाटू नगरी। और जब भी मैं जयपुर आता हूँ तो मेरा हर संभव प्रयास रहता है कि मैं सालासर और खाटू श्याम के दर्शन जरूर करूँ, और वही करने के लिए मैं कई भक्तों के साथ मंदिर की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। खाटू नगरी, खासकर मंदिर प्रांगण, हर वक्त सजा धजा हुआ रहता है, लेकिन फाल्गुन में इसकी छटा बड़ी निराली होती है। इस बार के फागोत्सव की साज सज्जा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे लाखों मोर किसी स्वर्ण मंदिर में बैठे हों। बड़ा ही प्यारा सजाया गया है बाबा श्याम के दरबार को। हालांकि भीतर तस्वीरें लेना अलाउड नहीं है, इसलिए हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं। वैसे तो हर महीने ही मंदिर में मेला लगता है, लेकिन फागोत्सव के वक्त भक्तों की भीड़ और इस मेले का विराट रूप देखते ही बनता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। हमने भी कर लिए हैं बाबा के दर्शन और अब लौट रहे हैं पुनः जयपुर की तरफ। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आज चांद साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ा नजर आ रहा है, मानो ऐसा लग रहा है ट्रैफिक में चांद कहीं सड़क पर ना उतर आए। और अब होगी पार्टी, क्योंकि आज है मेरे भांजे शशांक का बर्थडे और उसके पार्टी का आयोजन और सेलिब्रेशन चल रहा है। शेक्स, स्टार्टर और चॉकलेट्स खाने पीने के बाद अब क्या है कि केक कटेगा और सब में बटेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, हुआ
ठीक है। केक कटिंग सेलिब्रेशन के बाद अब वक्त है दावते जन्मदिन का। होली और जन्मदिन की पार्टी और होली के शोज निपटाने के बाद अब हमें लौटना था पुनः कोलकाता। कोलकाता के मुकाबले राजस्थान में सूर्यास्त यानी कि सनसेट थोड़ा विलंब से होता है। मेरी शाम 6 बजे की फ्लाइट थी और आज मैं आपको फ्लाइट से एक अद्भुत नज़ारा दिखाऊंगा, सनसेट फ्लाइट की विंडो से। यहाँ आपको सूर्य भगवान तो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन उनकी डूबती रोशनी आपको ज़रूर एक विस्मित नज़ारा ज़रूर प्रदान करेगी। आहिस्ता आहिस्ता सूर्य क्षितिज में कहीं खो गया और किसी दूसरे शहर को प्रज्वलित करने के लिए कहीं ना कहीं उदय हो रहा होगा, लेकिन यहाँ अंधेरा बढ़ रहा था और हमें परोसी जा चुकी थी हमारी फेवरेट चाय। कॉफ़ी पर तो दुनिया भर के रस्म व रिवाज निभाए जाते हैं, चाय पर तो आज भी सिर्फ रिश्ते ही बनाए जाते हैं। अब रात ने आसमान को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया था और अब हम कर रहे थे लैंडिंग की तैयारी, यानी कि अब हम कोलकाता उतरने के लिए बिल्कुल तैयार थे। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ कि सांसों ने दिया साथ, तो फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।